राजा कृष्णप्पा बेरिया उर्फ रॉकी, अपराध की दुनिया का वो गैंगस्टर जिसकी जिद और सनक के आगे मॉन्स्टर शब्द भी छोटा पड़ जाए। अपनी मरती हुई माँ से रॉकी ने एक वादा किया था, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुझे लाकर दूंगा। वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। KGF चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में हमने रॉकी को सोने से लदे जहाज के साथ समंदर में डूबते देखा, लेकिन उन लहरों को ये अंदाजा नहीं था कि जो पानी की तरंगों को चीरकर अंदर जा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद एक तूफान है। 14 अप्रैल 2023 यानी आज KGF चैप्टर 2 की रिलीज को एक साल पूरा हो चुका है। मेकर्स ने KGF चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे फैंस को एक ऐसा हिंट दिया है जो किसी भी KGF फैन की नींद हराम करने के लिए काफी है। KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने हमें ये अंदाजा दे दिया कि प्रशांत नील KGF चैप्टर 3 की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन क्लाइमैक्स सीन में रॉकी को समंदर में डूबते हुए देखकर हर फैन की अपनी थ्योरी बन गई। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट की दुनिया में हर तरफ रॉकी के जिंदा बचने और KGF 3 की स्टोरी लाइन को लेकर लोग अपनी अपनी संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब फिल्म के एक साल पूरे होने पर मेकर्स ने 2 मिनट के वीडियो में ऐसा हिंट दिया है जो पूरी कहानी को पलट देता है। मेकर्स ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। अगर आपने KGF 2 ध्यान से देखी है तो आपको वो पल याद होगा जब पर्दे पर अचानक ब्लैक स्क्रीन पर साल 1978 से साल 1981 तक को गायब कर दिया जाता है। इसके बाद हम रॉकी को सीधे उसकी सल्तनत यानी KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स को निहारते हुए बड़ी सी बोतल से शराब पीते हुए देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन 4 सालों में रॉकी ने क्या किया। मेकर्स ने इशारा किया है कि KGF चैप्टर 3 की कहानी इन्हीं 4 साल के इर्द गिर्द बुनी जाएगी। इतना ही नहीं, 2 मिनट के इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि आगे की कहानी में जो भी होने वाला है वो अब तक की टक्कर और तबाही का सबसे खौफनाक मंजर होगा। हमने रॉकी की सनक देखी है, हमने रमिका सेन यानी रवीना टंडन के किरदार की जिद भी देखी है जो रॉकी के लिए डेथ वारंट साइन करती है, लेकिन अभी तक हमने इन दोनों की टक्कर नहीं देखी है। यानी KGF की कहानी में वाकई अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना तय है कि KGF चैप्टर 3 सिनेमा घरों में नया बवंडर लेकर आने वाली है। KGF 3 की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। ये यश की 19वीं फिल्म होगी। बीते साल 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 ने वाकई बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। 168 मिनट तक इस फिल्म ने दर्शकों को इस कदर मदहोश कर दिया कि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। हमने रॉकी का पागलपन देखा है, वो सोने के एक बिस्किट के लिए पूरा पुलिस स्टेशन छलनी कर देता है। ऐसे में उसकी सनक का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि वो अपनी माँ से किए वादे को पूरा करने के लिए क्या करेगा। वैसे भी उसे तो वो चाहिए जो कोई हासिल नहीं कर सकता, दुनिया।